फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। इससे पहले हम एक बार जो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पराग कोष की संरचना के बारे में और पराग कण की संरचना के बारे में जाना था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसे कि जो पराग कोष होता है उसकी संरचना कैसी होती है। हमने देखा था कि जो पराग कोष होता है उसमें सबसे बाहर की ओर क्या होती है, चार भित्तियां, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। तो चार भित्तियों यानी पराग भित्ति कहते हैं जिसे। तो जो बाह्य, इसके जो बाह्य आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, पराग भित्ति कहा जाता है। और ये पराग भित्ति जो है वो चार, उसके चार स्तर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्तर था बाह्य त्वचा, दूसरा अंतस्थीसियम, तीसरा कौन सा था, मध्य स्तर, और सबसे आंतरिक जो स्तर था वो टेपिटम था। और हमने बात की थी जो टेपिटम होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जब लघु बीजाणु या पराग कण बनेंगे उनको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। इसके बाद हमने देखा था कि इनके अंदर कितनी, दो पालियां होती है, जो पराग कोष होता है उसकी दो पालियां होती है, एक पाली दूसरी पाली। और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो लघु बीजाणु धानियां होती है। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां होती है, इसका अर्थ है कि दोनों जो पालियां होंगी उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी, चार लघु बीजाणु धानियां होती है। इन लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है, इनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो हमने देखा था कि ये जो लघु बीजाणु धानियां होती है इनमें क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार लघु बीजाणु, कितने, चार लघु बीजाणु। और कौन सी अवस्था में, एन, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर यानी कि अगुणित चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर हमने बात की थी जो ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, चतुष्क के रूप में होते हैं, यानी कि चार लघु बीजाणु जो होंगे वो चारों आपस में संयोजित रहेंगे, चारों आपस में जुड़े रहेंगे। और इनकी जो अवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है वो भी हमने देखा था। तो ये जो चतुष्क होते हैं वो चार, चारों जो होते हैं, चार लघु बीजाणु जो होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे। किस भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये जो है केलोज के द्वारा जो निर्मित भित्ति होती है, या हम ये कह सकते हैं केलोज भित्ति जो होती है उसके द्वारा ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और जब ये केलोज भित्ति का अपघटन हो जाता है, किस एंजाइम द्वारा, केलेज एंजाइम द्वारा, जब इस केलोज भित्ति का अपघटन हो जाता है या ये टूट जाती है, तब क्या होता है, ये जो चतुष्क के रूप में जो लघु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये कैसे हो जाते हैं, गोलाकार आकृति के हो जाते हैं। इस अवस्था में इनको क्या कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है। यानी कि लघु बीजाणु जो है आगे जाकर क्या बनाते हैं, पराग कण, यानी जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब क्या बनाएंगे, पराग कण बनाएंगे, इन्हीं से इनका निर्माण होता है। अब हम आज बात करने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद की। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए कि नर युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, तो देखिए, ये जो पराग कण होता है जब इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण। जब पराग कण के अंदर क्या होता है, अंकुरण होता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाएगा, नर युग्मकोद्भिद। अगर हम इसकी परिभाषा की बात की जाए, हम कहें कि इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, तो यानी कि हम क्या कहेंगे, पराग यानी अंकुरित पराग कण को, किसका, पराग कण का अंकुरण हुआ और उस अवस्था को क्या कहा हमने, नर युग्मकोद्भिद कहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पराग कण है जब उसका अंकुरण होता है, यानी अंकुरित पराग कण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अंकुरित पराग कण को क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब बात करें इसकी कि पहली, इसकी सबसे पहली कोशिका कौन सी होगी, ये किससे बन रहा है, ये जो नर युग्मकोद्भिद है इसका निर्माण हुआ किससे है। तो देखिए, सबसे पहले कौन था, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जब अलग हुए तब पराग कण बना, पराग कण में अंकुरण हुआ तब नर युग्मकोद्भिद बना। तो हम ये कहें कि अगर इसकी पहली जो प्रथम कोशिका है वो कौन सी होगी, तो इसकी प्रथम कोशिका कौन सी हो जाएगी, लघु बीजाणु हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो यही बना, फिर इससे बना पराग कण, और फिर पराग कण में अंकुरण हुआ, अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद बना। तो नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो कौन सी हो जाएगी, लघु बीजाणु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लघु बीजाणु हो जाएगी। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो नर युग्मकोद्भिद है इसका परिवर्तन कैसे होता है, इसका डेवलप कैसे होता है, ये आगे जाकर किस प्रकार की संरचना बनाएगा, आगे जाकर इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा।
तो देखिए ये जो नर युग्मकोद्भिद होगा यानी जो परागकण होगा उसमें क्या होगा, जो परागकण हमने संरचना पढ़ी थी परागकण की, तो उसमें हमने देखा था जो परागकण होता है उसमें बाहर की ओर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। और जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, जहां जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां पर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र, जनन छिद्र कहेंगे। और ये जो स्पोरोपोलेनिन का आवरण है ये कहाँ होता है, तो ये बाह्य चोल पर होता है, बाह्य चोल पर। बाह्य चोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और इस बाह्य चोल के अंदर एक और आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, अंतः चोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अंतः चोल। और ये जो अंतः चोल होता है वो किसका बना होता है, तो हमने बात की थी ये जो अंतः चोल होता है वो सेलुलोज, सेलुलोज और किसका बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होगा ये? पेक्टिन का बना होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अब ये जो परागकण होगा इसमें क्या होगा, अंकुरण, अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जब ये लघु बीजाणु से जब ये अलग हो जाते हैं, जब परागकण क्या होंगे, चतुष्क के रूप में जब लघु बीजाणु थे उनसे जब ये अलग हो जाएंगे तो इनकी जो आकार होगा, इनका आकार क्या होगा, अचानक से बढ़ जाएगा। देखिए जैसे कि माना कि ये जो लघु बीजाणु है ये चतुष्क रूप में थे, फिर ये अलग होंगे तो क्या बनाएंगे, परागकण। अब ये जो लघु बीजाणु थे वो तो क्या थे, आकार में छोटे, और जब परागकण बनेगा तो इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इनका आकार कैसा हो जाएगा, इस परागकण का आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर आकार बड़ा हो गया है तो इसके अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य होगा वो क्या हो जाएगा, परिधि की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस परिधि की ओर चला जाएगा और इस प्रकार से झिल्ली नुमा संरचना बनाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से कुछ खाली स्थान दिखाई देंगे, कुछ खाली स्थान दिखाई देंगे जिसे क्या कहेंगे, रसधानिया। क्या कहेंगे? रसधानिया, रसधानिया। यानी कि इसके अंदर किसका निर्माण होगा, अब रसधानियों का निर्माण होगा। और ये कैसा होगा, आकार में बड़ा होगा, इनमें रसधानियों का निर्माण हो जाएगा और जो इसका कोशिका द्रव्य था वो परिधि की होकर जाकर एक झिल्ली का निर्माण करेगा। क्या करेगा? झिल्ली का निर्माण करेगा। अब यहां तक हुई बात कि नर युग्मकोद्भिद कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके डेवलप के बारे में कि इसका जो परिवर्धन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसका जो परिवर्धन होगा, जो नर युग्मकोद्भिद है उसका जो परिवर्धन होगा वो दो चरणों में होगा। दो चरण कौन से हो जाएंगे, तो देखिए एक चरण होगा परागण से पूर्व और दूसरा चरण होगा परागण से पश्चात। एक चरण तो होगा परागण से पहले और दूसरा चरण क्या हो जाएगा, परागण के बाद। तो पहले हम बात करते हैं कि परागण जो है वो क्या संरचना है या परागण किसे कहते हैं। तो हमने जब पुष्प का आंतरिक संरचना पढ़ी थी, पुष्प की जब हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी तब उसमें हमने दो संरचनाएं पढ़ी थी, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। जो नर जननांग होता है वो कौन आता है, पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है। और जो मादा जननांग होता है वो कौन होती है, तो मादा जननांग जो होती है वो कौन होती है, जायांग जिसे कहते हैं हम, या हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर जिसे कहते हैं। जो पुंकेसर होता है उसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो होता है पुतंतु, पुतंतु, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश के हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि जो पराग कोश होता है वो द्विपाली संरचना होती है और इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है पराग कण का। किसका निर्माण होता है, पराग कण का। और ये जो संरचना होती है ये किसकी संरचना है, स्त्री केसर की संरचना है, ये जायांग की संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर की ओर जो ये संरचना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। ये जो नलिकाकार संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे फूला हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय कहा जाता है। अब हमने बात की कि जो पराग कोश है उसमें किसका निर्माण होगा, पराग कण का निर्माण होगा। जब ये पराग कण पराग कोश से बाहर निकलकर, जब ये पराग कण पराग कोश की भित्ति को फाड़कर या इससे बाहर निकलकर कहां आ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जब पराग कोश से पराग कण बाहर निकलकर कहां पर पहुंच जाएंगे, इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। देखिए परागकण जो है वो तो क्या है, नर युग्मक है, लेकिन परागण जो है वो क्या है, एक क्रिया है, जिस क्रिया में क्या होता है, पराग कोश से पराग कण निकल कर कहां आ जाते हैं,
इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। किसकी वर्तिकाग्र पर? या हम कह सकते हैं कि जो मादा जननांग है या स्त्री केसर या जायांग की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो ये हमने बात की परागण की क्रिया की। अब हम देखते हैं कि जो हमने बात की कि जो नर युग्मकोद्भिद है, नर युग्मकोद्भिद क्या है? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद। अब इसका जो डेवलप होगा आगे किस प्रकार से होगा, इसका जो परिवर्तन होगा या इसका जो विकास होगा वो आगे किस प्रकार से होता है? तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो विकास होता है वो दो चरणों में होता है। कैसे? एक तो होगा परागण से पूर्व और एक होता है परागण के पश्चात। पहला कौन सा है? परागण से पूर्व। और दूसरा कौन सा है? परागण के पश्चात। परागण के पश्चात। देखिए अब इसका डेवलपमेंट, यानी जो परागण है, अंकुरित परागण है, उसका डेवलपमेंट दो चरणों में हो रहा है। एक तो हो रहा है परागण से पूर्व यानी पहले, और एक दूसरा हो रहा है परागण के पश्चात। यानी कि जब परागकण जो होगा, जब परागकण जो होगा, परागण से पूर्व क्रिया कौन सी होगी? जब परागकण पराग कोष के अंदर ही स्थित रहेंगे, उनमें जब डेवलपमेंट होगा या उनमें जब परिवर्तन होगा तब उसे कौन सी क्रिया कहा जाएगा? परागण से पूर्व। यानी अभी तक परागण हुआ नहीं है, अभी तक यहाँ से परागकोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचे नहीं है, तो तब तो कौन सी हो जाएगी क्रिया? परागण से पूर्व। और जब परागकोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जब परागकोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जब ये परागकण आ जाएंगे और तब इनमें जब डेवलपमेंट होगा या इनमें जो परिवर्तन या विकास जो होगा, उस विकास को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? परागण के पश्चात की अवस्था कहा जाएगा। कौन सी अवस्था? परागण के पश्चात की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परागण से पूर्व की क्रिया कौन सी होती है, परागण से पहले जो होता है इसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नर युग्मकोद्भिद है उसका परागण से पूर्व यानी परागण से पहले किस प्रकार से विकास होता है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कौन सी क्रिया? परागण, परागण से पूर्व या पहले की या पूर्व विकास। जो परागण से पूर्व जो है वो विकास किस प्रकार से होता है नर युग्मकोद्भिद का? नर युग्मकोद्भिद है उसका विकास परागण से पूर्व किस प्रकार से होगा? तो देखिए हमने बात की परागकण की कि ये परागकण है, जैसे मान लिया ये एक परागण है, परागकण है, इसके बाहर की ओर किसका आवरण होता है? इसके बाहर की ओर किसका आवरण होगा? स्पोरोपोलेनिन का आवरण होगा। और जहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता है वहां पर क्या होता है? जनन छिद्र होता है। माना कि ये एक जनन छिद्र है, जनन छिद्र। और इसके अंदर की ओर जो है आंतरिक चोल होता है, या हम कहते हैं अंतः चोल। इसके अंदर की ओर क्या होता है? एक आवरण होता है अंदर की ओर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंतः चोल कहा जाता है, अंतः चोल। बाहर की ओर ये किसका आवरण है? बाह्य चोल जो है या बाह्य जो भित्ति होती है इसमें ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और जो अंतः चोल होता है वो किसका बना होता है? तो पेक्टिन और सेल्यूलोज। ये हमने इसकी संरचना में बात की थी, सेल्यूलोज। अब देखिएगा कि ये जो परागकण है इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसमें, इस केंद्रक में क्या होगा? तो इस केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। जब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? इस केंद्रक से यानी एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे? तो एक केंद्रक से कितने? दो केंद्रक बनेंगे। एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा कितने केंद्रक का निर्माण हुआ? दो केंद्रक का निर्माण हो गया, दो केंद्रक का इसमें निर्माण होगा। ये स्पोरोपोलेनिन का आवरण है। एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक का निर्माण हुआ, और ये जो दोनों केंद्रक हैं वो कैसे होंगे? तो देखिए एक केंद्रक जो होगा वो आकार में कैसा होगा? छोटा होगा। एक केंद्रक आकार में छोटा होगा और एक केंद्रक जो होगा वो आकार में कैसा होगा? बड़ा होगा। एक केंद्रक आकार में छोटा होगा, एक केंद्रक आकार में बड़ा होगा। जो केंद्रक आकार में छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जनन केंद्रक। क्या कहेंगे? जनन केंद्रक। जो आकार में छोटा केंद्रक होगा उसे क्या कहा जाएगा? जनन केंद्रक कहा जाएगा।
और जो केंद्रक आकार में बड़ा होगा इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा कायिक केंद्रक। क्या कहा जाएगा? कायिक केंद्रक। अब देखिए जो परागकण है उसमें क्या होगा, देखिए जो परागकण है उसके अंदर जो केंद्रक का निर्माण हुआ है उसमें उन केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, एक भित्ति का निर्माण होगा। जैसे कि ये जनन केंद्रक है तो इसके तरफ भी क्या होगा, भित्ति, इसके चारों ओर भी क्या होगा, भित्ति का निर्माण होगा। और जो ये बड़ा केंद्रक है जो कि कौन है, कायिक केंद्रक है, उसके चारों ओर भी क्या होगा, भित्ति का निर्माण होगा। जब इनमें भित्ति का निर्माण होता है, जब इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी। एक केंद्रक है उसके चारों तरफ किसी भित्ति का निर्माण हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो छोटा केंद्रक जो जनन केंद्रक है उससे क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। उसके चारों ओर भित्ति के निर्माण से क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। और जो बड़ा केंद्रक है कायिक केंद्रक है उसके चारों ओर भी भित्ति के निर्माण से क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। तो इस जनन केंद्रक से जो कोशिका बनेगी, इस जनन केंद्रक से जो कोशिका बनेगी उसे क्या कहेंगे, जनन कोशिका। क्या कहेंगे, जनन कोशिका। और जो कायिक केंद्रक है कायिक केंद्रक के चारों ओर जो भित्ति का निर्माण हो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, तो देखिए उसे कहा जाएगा कायिक कोशिका। क्या कहा जाएगा, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका कहा जाएगा। हमने बात की कि समसूत्री विभाजन द्वारा एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है जिसमें एक केंद्रक छोटा होता है एक केंद्रक बड़ा होता है। जो छोटा केंद्रक होता है उसे जनन केंद्रक कहा जाता है तथा जो बड़ा केंद्रक होता है उसे क्या कहा जाता है, कायिक केंद्रक कहा जाता है। जब इन केंद्रक के चारों ओर किसका निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है, तो जनन केंद्रक से किसका निर्माण हो जाएगा, भित्ति बन जाने से जनन केंद्रक से जनन कोशिका बनेगी। और जो कायिक कोशिका कायिक केंद्रक जो है उसके चारों ओर भित्ति के निर्माण से किसका निर्माण होगा, कायिक कोशिका का। यानी कि जनन केंद्रक से तो जनन कोशिका बनेगी, कायिक केंद्रक से क्या बनेगी, कायिक कोशिका बनेगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो जनन कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, आकार में छोटी होती है। और जो कायिक कोशिका होती है वो कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है। तो ये जो केंद्रक होगा इसमें क्या होगा, देखिए इसके ये जो केंद्रक होता है वो पहले किससे जुड़ा होता है, तो देखिए पहले जो है ये जो है वो इसकी भित्ति द्वारा पराग कोष की या पराग कण की सॉरी पराग कण की जो भित्ति होती है इससे ये जुड़ा रहता है। अब हम देख सकते हैं इसकी भित्ति से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इस समय जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, गोलाकार नहीं होगा, ये कैसा होगा, चपटा होगा। इसका जो आकार होगा वो चपटा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये इस तरह से इसके भित्ति का जब निर्माण होगा तो ये पूरी तरह से भित्ति नहीं बनी है। तो अब इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, चपटा होगा, और इसका जो आकार होगा वो गोलाकार ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये इसकी जो भित्ति है वो पूरी तरह से बन जाएगी, यानी इसके चारों ओर जब ये भित्ति बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। पहले ये किससे जुड़ा हुआ था, पहले जो ये जनन केंद्रक है या जनन कोशिका जो है वो किससे जुड़ी हुई थी, या जनन केंद्रक जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था परागकण की भित्ति के द्वारा। लेकिन जब इसमें पूरी तरह से केंद्र जब इसमें पूरी तरह से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। और अलग होने पर ये क्या करेगा, जो कायिक कोशिका होगी इसकी तरफ ये गति करेगा, क्या करेगा, इसकी तरफ ये गति करेगा। अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं कि जो जनन कोशिका होती है वो किस प्रकार से होती है, कायिक कोशिका जो होती है वो किस प्रकार से होती है। हमने ये बात तो जान ली है कि जो जनन कोशिका होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, आकार में कैसी होगी, छोटी होगी। और जो कायिक कोशिका होती है वो कैसी होती है, आकार में बड़ी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका होती है। जो जनन कोशिका होती है उसका आकार पहले कैसा होता है, लेंस के समान होता है, छोटा होता है, है ना। और ये जो आकार होगा इसका किस इसका जो केंद्रक होगा, सर्वप्रथम इसका जो केंद्रक होगा वो तो कैसा होगा, वो तो चपटा होगा, लेकिन बाद में ये कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, जो जनन कोशिका है और जो कायिक कोशिका है इसमें क्या होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन, इस प्रकार से कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर डीएनए जो होगा, डीएनए भी होता है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। तो देखिए अब हम बात करते हैं डीएनए की, तो जो डीएनए होगा वो तो इन दोनों में कैसा होगा, वो इन दोनों में समान ही होगा। लेकिन जो आरएनए होता है उसकी मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, कायिक कोशिका में अधिक होती है, कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा अधिक होती है, जबकि जनन कोशिका जो होगी उसमें आरएनए की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो कायिक कोशिका है हम जानते हैं कि कायिक कोशिका का आकार बड़ा है, कायिक कोशिका क्या है, आकार में बड़ी है। इसका अर्थ है कि इसके अंदर जो जितना भी द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य जो होगा वो भी कैसा होगा, अधिक होगा,
और इसी वजह से आरएनए भी क्या होता है इसके अंदर अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जो जनन कोशिका होती है उसमें इसका आकार, जो जनन कोशिका है उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है, और कम होने की वजह से आरएनए की मात्रा भी जो है इसके अंदर कैसी होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके कार्य की, तो देखिए जो कायिक कोशिका होती है वो क्या कार्य करती है, तो ये कायिक कोशिका क्या करेगी, जब परागण हो जाएगा, परागण की क्रिया जब हो जाएगी और तब क्या होगा कि इस पराग कोश से, सॉरी इस पराग कण से ये क्या करेगी, पराग नली का निर्माण करेगी। इस प्रकार से एक नली होती है जो बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, हम पढ़ेंगे आगे बीजांड जो है उसकी संरचना कैसे होती है, बीजांड किस प्रकार से होता है। तो ये जो पराग कण है उससे इसका किसका निर्माण करेगी, ये उससे पराग नलिका का निर्माण करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, जनन नलिका भी कहते हैं। तो कायिक कोशिका का कार्य क्या है, कायिक कोशिका का कार्य ये है कि ये पराग कण से क्या करेगी, पराग नलिका का निर्माण करेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बात है, ये जो हमने बात कही कि हमने जो ये पढ़ा कि ये जिससे पराग नलिका का जो निर्माण होता है, ये इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, कभी कभी ऐसा होता है कि पराग नलिका के निर्माण से पहले ही जो कायिक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसी से इसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जो कायिक कोशिका जो होती है उसी से इसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। जबकि जो जनन कोशिका होगी उसमें क्या होगा, देखिए जनन कोशिका से नर युग्मकों का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है वो अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात की हमने जनन कोशिका और कायिक कोशिका की। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परागण के बाद की क्रिया। परागण हो गया, इसका अर्थ क्या है कि जो पराग कोश है उससे परागकण निकलकर कहां पर आ गए, परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर, अंडा जो स्त्री केसर है जो जायांग है उसके वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच गए, यानी अब ये क्या हो गई, परागण के बाद की क्रिया हो गई। इस क्रिया में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्रिया में हम नर युग्मकों का निर्माण, यानी नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम परागण पूर्व क्रिया पढ़ी हमने अभी भी, उसमें हमने क्या देखा कि पराग कण जो होता है उसमें एक केंद्रक से समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होता है, एक जनन केंद्र और दूसरा होता है कायिक केंद्र। जो जनन केंद्र होता है उसे जनन कोशिका और जो कायिक केंद्र होता है उसे कायिक कोशिका का निर्माण होता है। और ये कायिक कोशिका क्या करती है, देखिए कायिक कोशिका जो होगी वो क्या करेगी, जब ये पराग कण जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा वर्तिकाग्र पर, तब इसमें जो कायिक कोशिका होगी वो क्या करेगी, इसमें पराग नलिका का निर्माण करेगी, क्या करेगी, पराग नलिका का निर्माण करेगी। और ये पराग नलिका कहाँ पर पहुंचेगी, किसमें प्रवेश करेगी, तो ये पराग नलिका जो अंडाशय होता है उसमें जो बीजांड होता है उसमें ये प्रवेश करती है, जो पराग नलिका होगी वो बीजांड में प्रवेश करती है। दूसरा हमने जनन कोशिका, या हमने कहा था कि जो जनन केंद्रक होता है वो कैसा होता है, आकार में छोटा होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा कि जो जब पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तब क्या होगा, ये जनन कोशिका जो है वो पराग नलिका में आ जाएगी, जनन कोशिका क्या करेगी पराग नलिका में आ जाएगी, और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तब यहाँ पर क्या होगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे, कितने, दो केंद्रक बन जाएंगे, और ये दोनों केंद्रक को, ये जो दोनों केंद्रक है उन्हें हम क्या कहेंगे, नर युग्मक, क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। जो दोनों केंद्रक है, जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होगा, वो दोनों केंद्रकों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, पराग नलिका में हो रहा है, और इनको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। यानी हमने ये बात की जो जनन केंद्रक है वो पराग नलिका में आएंगे, और जो जनन कोशिका या जनन केंद्र जिसे हम कह सकते हैं वो पराग नलिका में आएंगे, और उससे समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होगा, और दोनों केंद्रकों को हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पादप है जिनमें क्या होता है कि जब परागण हो जाता है और जब परागकण यहाँ पर पहुंच जाता है उसी समय बिना पराग नली के ही, बिना पराग नली यानी पराग नली के निर्माण से पहले ही यहाँ पर क्या होगा, जो जनन केंद्रक होगा, जनन कोशिका या जो जनन केंद्रक होगा उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये जो नर युग्मक है वो क्या, कहाँ पर उनका निर्माण होगा, परागण के पश्चात, यानी बिल्कुल उसके बाद में यही पर इनका निर्माण हो जाता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं, कौन कौन से, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक होता है बंदर बाटी और कुल्फा। यानी कि ये ऐसे पादप हैं जिनमें क्या होगा कि जो जनन कोशिका है
उनका उनके अंदर विभाजन द्वारा जो केंद्रक का निर्माण होगा वो कहां पर होगा, परागण के पश्चात जस्ट बिल्कुल बाद में, लेकिन कहां पर, उसी पराग कण के अंदर ही हो जाएगा इनका निर्माण। जबकि दूसरे जो पादप होंगे उसमें क्या होगा, पहले पराग नलिका बनेगी, फिर ये जनन केंद्रक या जनन कोशिका जो होगी वो इस पराग नलिका में आएगी और उसके बाद में जो है इनका विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तथा दो केंद्रक का निर्माण होगा। तो ये हमने बात की नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है और परागण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो नर युग्मक है वो कहाँ पहुंचेंगे, बीजांड में पहुंचेंगे। इससे पहले बीजांड की संरचना को हम देखेंगे कि जो बीजांड होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें उसके कार्य किस क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।